Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो. भाजी, आपको और तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं. जय हिंद. रहे तिरंगा आंखों में, मां भारती का सम्मान होना चाहिए. वाह. स्वतंत्र भारत में गणतंत्र का मान होना चाहिए. रहो किसी भी मजहब में, किसी भी वतन में, तुम दिल में सबसे ऊपर हिंदुस्तान होना चाहिए. भारत माता की जय. थैंक यू बाजी, क्या बात है. बाजी, मैंने एक चीज नोटिस की है, जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त होती ना, टीवी पे किसी ना किसी चैनल पे क्रांतिवीर जरूर आ रही होती है. अच्छा, नाना पाटेकर साहब की फिल्म. हाँ, देखते ना, उनका डायलॉग बड़ा मशहूर है वो. क्या? आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने. अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें ऐसे बाहर आएगी, कुछ देर लटकता रहूंगा, मर जाऊंगा, तुम लोग घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे. अच्छा, वो फिल्म इतनी बार देख चुके ना, मुझे तो बचपन में यही लगता था कि हमारे देश को आजादी नाना पाटेकर ने दिलाई है. सीरियसली, क्रांतिवीर खत्म होती है, तिरंगा शुरू हो जाती है, उसमें भी नाना पाटेकर साहब. शाम तक नाना पाटेकर साहब बोल बोल के थक जाते हैं, फिर रात को सनी पाजी की बारी आती है. हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा. अच्छा, लेकिन एक चीज अच्छी है, उस दिन बच्चन साहब को आराम मिल जाता है, नहीं तो रोज उनकी सेट मैक्स पे सूर्यवंशम चलती रहती है. अरे मुंबई में तो ठीक है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में 26 जनवरी के दिन बड़ी ठंड पड़ती है और हर स्कूल में तकरीबन फंक्शन होते हैं, और इस दिन जो बच्चा ठंडे पानी से नहा के स्कूल चला जाए उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता. अरे ठंड के मौसम में ना बड़ा मुश्किल होता है, बाथरूम में जाने का दिल ही नहीं करता नहाने का. सब कुछ जाता है. देख लो, आप कंबल लेके सोते हो ना, अभी थोड़ा सा पैर बाहर निकल जाए तो पजामे के अंदर से हवा जाती है ना, जरसरी सी होती है, ऐसे नहाने का दिल नहीं करता आदमी. बच्चा तो तब तक बाथरूम में नहीं जाता जब तक माँ नहीं कहती, अगर नहाएगा नहीं तो खाना नहीं मिलेगा तुझे. जब बाथरूम में जाता भी ना, उसके बाद भी कितनी देर ना वार्म अप होता रहता है, पानी वाले टब के पास यूं बैठा रहता, देखता रहता पानी को. फिर धीरे धीरे कपड़े उतारेगा आराम से, उसके बाद में फिर भी नहीं नहाता, फिर थोड़ी देर हाथ डाल के चेक करता पहले कितना ठंडा है. अब पानी डालना ठंडा सर्दी के मौसम में, मतलब ये कोई जंक से कम नहीं होता. फिर आदमी को गुस्से वाली चीज सोचता है, फिर लगा रहता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. अच्छा, नौकरी पेशे वाले जो अपने लोग होते हैं, ये अपने काम में इतना बिजी रहते हैं, इन्हें याद ही नहीं होता कि स्वतंत्रता दिवस है या गणतंत्र दिवस है. इनको ना दारू की दुकान वाले याद दिलाते हैं, पाजी आज ही ले लो, कल ड्राई डे है. अच्छा, कुछ लोग बड़े अजीब होते हैं, उन्हें 26 जनवरी 15 अगस्त सिर्फ इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इस दिन ऑफिस की छुट्टी होती है. बेसिकली इनको काम ना करने की खुशी होती है, काम चोर. अरे अगर 26 जनवरी संडे के दिन पड़ जाए, इनका मुंह गुलामी वाला हो जाता है. इनको कोई लड्डू भी देता ना, भाई साहब गणतंत्रता दिवस है आज, डायबिटीज वाला मुंह बना लेते हैं. खाओ लड्डू, हमारी तो छुट्टी खा गया ये. और यही 26 जनवरी या 15 अगस्त ना शादीशुदा लोगों को इसलिए नहीं अच्छी लगती, उस दिन बीवियां ना डस्टिंग पे लगा देती हैं, आदमी मुंह पे कपड़ा बांध कर पुराना कच्चा डंडे पे लगा कर ना दीवारें साफ कर रहा होता है, उसको कहां से मजा आएगा इंडिपेंडेंस डे का. अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं ना, थोड़ा जिनके माँ बाप भी पढ़े लिखे होते हैं, उनको पूरा पता होता है 26 जनवरी इस दिन हमारा गणतंत्र दिवस होता है, संविधान लागू हुआ था. एक हमारे जैसे बच्चे होते हैं, इनसे पूछो 26 जनवरी का ऐसे 26 जनवरी 26 जनवरी 25 के बाद आती है. छब्बीस जनवरी का त्योहार बड़ा अच्छा होता है, इस दिन स्कूल में लड्डू मिलते हैं, दो लड्डू एक केला. मेरा तो ये मानना कि अगर किसी को सच में नहीं पता कि 26 जनवरी का क्या इतिहास था, तो उसकी वजह हमारे देश की तरक्की, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे साइंटिस्ट, उनका हार्डवर्क, जिन्होंने गुलामी के बाद इतने कम सालों में देश को उस मुकाम पे पहुंचा दिया कि आज के लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि कभी हम गुलाम भी थे. अरे जैसा हम सब जानते हैं कि बरसों से पैसे और रुपए पर किसान की फोटो आ रही है,
काश वो दिन भी जल्दी आ जाए जब किसान के पास भी पैसा आ जाए, तो जो किसान देश की भूख मिटाने के लिए पूरे साल हल चलाता है, उसकी मुसीबत दूर करने का भी कोई हल मिल जाए, उस दिन लगेगा कि हमारा देश वाकई में आज़ाद है। और 26 जनवरी के इस मौके पे मैं देश के लिए ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने वाले हर देशभक्त को सलाम करता हूँ। आज गणतंत्र दिवस है और आज हम अपनी सोसाइटी में बढ़िया फंक्शन करने वाले हैं। मैं कुछ सिंगर बुलाता हूँ आपके लिए। यार फटाफट। हेलो विशाल सर। सर हमारी सोसाइटी में रिपब्लिक डे का फंक्शन है सर। कहाँ हो आप? अच्छा इधर ही हो आप। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे क्या बात है, आपके शो पे फिर बुलावा, क्या बात है। Awesome. विशाल सर के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है सर, इतनी एनर्जी भर दी ना आपने, लगा कि देश आज ही आजाद हुआ है। कसम से मजा आ गया पाजी। आपकी गायकी ने टूटे दिल जोड़ दिए। अरे क्या बात है, ऐसा गाया इन्होंने कि सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाय 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 हाय, क्या बात। इनकी खनकती आवाज की दीवानी होकर लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड छोड़ दिए। लड़कियों ने बॉयफ्रेंड छोड़ दिए, सिद्धू पाजी ने लड़कों के मुंह उधर मोड़ दिए, वापस लड़कियों के दिल जोड़ दिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग पाजी। थैंक यू सर, क्या और मुबारक हो सर, इंडियन आइडल मतलब इस सीजन तो मतलब झंडे गाड़ दिए आपने। जी जी, बहुत मतलब बहुत सारा प्यार मिला पब्लिक से, और पूरा श्रेय तो सिंगर्स को जाता है, इंडियन आइडल के जो थे, मतलब कमाल का काम किया उन्होंने। हम तो स्पेक्टेटर थे, जज थे, आपको तो पता है, मतलब हमारा काम डेस्क पे बैठना और कहना वाह वाह भाई क्या बहुत अच्छा गाया। सारे हीरे परख के तो आप ही लाए थे। अच्छा मैंने फोन किया तो आप झट से आ गए। मतलब हम तो यही बाहर घूम रहे थे। देखो इंडियन आइडल आपने कहा ना बहुत बड़ा सक्सेस हुआ, तो बहुत बड़ा सक्सेस जब होता है तो आदमी को थोड़ी मतलब बाहें फैलाने की जगह चाहिए, तो हमने सोचा फिल्म सिटी खरीद लेते हैं। अच्छा तो जावेद भाई भी जावेद भाई बाहर हैं, परख रहे हैं, मतलब थोड़ा अच्छा? सा लैंड कौन सा अच्छा लग रहा है। अच्छा, दबा के देख रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल, नरम है मिट्टी की नहीं। यहाँ पे सुरीलापन है कि यहाँ पे है जावेद भाई, तो आपको पता है। जावेद भाई को बुला लो, सुरों के शहजादे हैं। अरे जावेद भाई क्या बात है, क्या बात है जावेद भाई, मजा आ गया सर, मजा आ गया। थैंक यू। Thank you so much. जावेद साहब, उनके सुरों को सुन के मन मतवाला हो गया। आहा, क्या बात है। जावेद की आवाज से अंधेरों में उजाला हो गया। वाह, क्या बात है। सच्ची बंदगी है तेरे हर आलाप में, सुना जो तेरे गीतों को तन मन शिवाला हो गया। आए, 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 क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू पाजी, थैंक यू। आ गया गुरु। इंडियन आइडल के जजेस हमारे साथ हमारे बीच आ चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर, वेरी टैलेंटेड विशाल सर, और कमाल के सिंगर, बॉलीवुड से लेकर सूफियाना गानों में अपनी धूम मचाने वाले जबरदस्त जावेद भाई, जोरदार तालियां। अरे विशाल सर, आपकी तो जोड़ी शेखर सर के साथ है, आपने जावेद भाई के साथ जोड़ी कैसे बना ली? सर ऐसा है कि मतलब फायदे का काम जाओ। नहीं, आपको तो पता है ना, लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटी आती है, जितने चांस मिलते हैं, ले लेने चाहिए। अच्छा। तो मैं यहाँ पे हूँ शेखर, और कुछ। अच्छा, छाप रहे नोट? बिल्कुल, काम धंधा कोई नहीं छोड़ रहे, क्या बात है। ये इस बात आपको पता है सिद्धू भाई, आपसे सीख रहे हैं लोग। गुरु जी छोड़ना कुछ नहीं, छापते जाओ। भाजी देखो, मल्टी टैलेंटेड आदमी है तो मल्टी टास्क करने चाहिए ना। ठीक है, मुझे तो भाजी उस दिन बोल रहे थे, कहता मैं ना चाइनीज मोमो बनाने शुरू कर। जावेद भाई के गाने इतने पॉपुलर हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो गाने जो बड़े मतलब मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, सारे गाने, जैसे अर्जियां पाजी, मौला मेरे मौला, जैसे गाने जब ये गाते हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले को याद करते होंगे। पाजी जब ये गाने गाते हो कि पल पल न माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया, तो पाजी इश्क का जब मंजन घिसते हैं तभी किसको याद करके आप गाते हो गाना पाजी? थोड़ा सा राज है जी, किसी को इमेजिन करना पड़ता है। जिसको मंजन घिसा होगा आपने कभी। अच्छा विशाल सर, लोग कहते हैं ऐसा कि इंसान के पास जब पैसा आ जाए तो बाकी चीजें अपने आप आ जाती हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं कि आपका जो प्लॉट खाली पड़ा है उस पर खेती दोबारा की जाए? सर मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, ये बंबई है, यहाँ पे खाली प्लॉट पे खेती नहीं होती।
विशाल सर, जावेद भाई, हमें पता है कि आप इंडियन आइडल को बहुत मिस कर रहे हो और खास तौर पे उन बच्चों को जिन्होंने इंडियन आइडल में धूम मचा रखी थी। बिल्कुल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आए और हम उनको ना इनवाइट करें। तो आज 26 जनवरी के मौके पे इस मंच पे चार चांद लगाने के लिए हमने इंडियन आइडल के चारों फाइनलिस्ट को यहाँ पे बुलाया। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि विशाल सर, जावेद भाई, आप सिद्धू भाई के साथ वहां विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए इंडियन आइडल विनर सलमान अली एंड द फाइनलिस्ट नितिन, नीलांजना और अंकुश। वो जोरदार तालियां एक बार सलमान, नितिन, नीलांजना और अंकुश के लिए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये तो हमारे घर के बच्चे यार, ऐसे थोड़ी मिला जाएगा यार इनसे। सॉरी। क्या बात है, अरे क्या बात है सलमान यार, मैं पीछे रह गया यार, क्या चक्कर है यार, क्या चक्कर है यार, मतलब क्या हाल चाल है, इधर आओ गुरु, इधर आओ, इधर आ जरा, बहुत मिस कर रहे हैं पाजी। एक पप्पी ले लूं, पप्पी दे भाई पाजी, इसके बाद नितिन का टर्न है सर। सबसे दुबला वाला उठा लिया, इधर उठाओ जाड़ा वाला। ये हिंदुस्तान के वो चार नायाब हीरे हैं जिन्होंने ऐसी धूम मचाई इंडियन आइडल में कि लोगों ने इनको सर आंखों पे बिठा लिया और ये डिजर्व भी करते हैं। जोरदार तालियां। आजो यहाँ पे विराजमान होते हैं, आजो आजो। आज पहली बार इतनी छोटी उम्र के गेस्ट हमारे शो पे आए हैं। कपिल भाजी जी सर, ये छोटे जरूर हैं लेकिन बहुत बड़ों बड़ों से बहुत बड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं है सर, छोटा तीर घाव करे गंभीर। आए हाय क्या बात है, आप बात समझा, आज तेरे पास हीरे हैं तो जौहरी मेरे पास हैं, ठोको। अच्छा ये सोफा पे जो आप बैठे हो, पिछले हफ्ते यहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा साहब बैठे थे, सलमान भाई बैठे थे, आप इतनी छोटी उम्र में इस सोफे पे बैठे, निकालो 15,000 रुपए। अच्छा ये चारों ही बच्चे हैं तो बड़े भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि इनको कुछ ज्ञान बांटने का मेरा दिल कर रहा है। अरे, अब आप लोग स्टार बन गए हो, फेमस हो गए हो, पहली बात तो कोशिश करना स्मार्टफोन जेब में रखो ही ना, और अगर रखा है तो ट्विटर पे नहीं जाना रात को 11 बजे के बाद। अच्छा मैं ये ट्विटर का घायल है। अच्छा मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, उनके गुरु खुद रात ट्विटर पे चले जाते हैं। ये विशाल भाई भी ट्विटर पे कुछ ना कुछ धमाल मचाते रहते हैं, कभी मचाते हैं कभी मच भी जाते हैं। तो ट्विटर वगैरह पे ज्यादा बहुत ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। सलमान विनर है इंडियन आइडल के और नितिन सिर्फ एक दो, मतलब इतना सा फर्क है। और अच्छा नितिन, आपने बड़ा भाई होने का फर्ज निभाया कि नहीं यार चलो सलमान को जीतने दो, कि उस दिन तुम अपना वो लकी ब्लू कलर का कच्छा पहनना भूल गए थे। ये सलमान ने मुझे बताया था, कहता मतलब है ना ये नितिन जो कच्छे का बोल वाला है सर। ये सीरियसली सलमान ने अपने एक एपिसोड में बताया था कि नितिन का ना फेवरेट है नीला कच्छा है, वो लकी है इसके लिए, वो जब पहनता है तो मतलब ये जीता ही जीता है, तो उस दिन कच्छा पहनना भूल गए थे, क्या हुआ था। ये बात मुझे सलमान से पूछनी है, पहली बात तो तुम्हें कैसे पता चला वो नीला कच्छा पहनता है? मैं और नितिन हम एक रूम में रहते थे दोनों भाई। अच्छा। मैं जब भी जाता था तो बाथरूम में नीले कलर के कच्छे सूखते रहते थे। इसका मतलब मुझे ये लगा एक नहीं था, मुझे लगा पूरा सीजन एक ही कच्छा पहन के नहीं, पहले तो इसके पास एक ही था, फिर मैंने बोला भाई यार तू कुछ तो शर्म कर, तेरे पास एक ही कच्छा है पहन के जाता है, जिसमें भाई ठीक है मैं 2-4 और ले आता हूँ मार्केट से जाके। ये कई एपिसोड में तो दिखा भी है, तुम्हारी पेंट लो वेस्ट थी कि कच्छा हाई वेस्ट था, क्या था? छोड़ दे, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। पर अब तो जग जाहिर हो गई ना। अच्छा कोई भी बच्चा कोई नया काम शुरू करता ना तो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाता है, माँ के पैर छू के जाता है। अंकुश के बारे में हमने सुना कि ये अपनी मम्मी को लॉक करके मुंबई आया था। अच्छा मम्मी को बंद क्यों करके आए थे? सर वो सिचुएशन कुछ ऐसी खड़ी हो गई थी, मैं एक्चुअली सर मेरी आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम था। जी जी आई नो। तो उस वजह से वो मतलब मुझे ज्यादा इधर उधर जाने नहीं देते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इतना दूर नहीं जाना है, तो मैं सर इंडियन आइडल बचपन से देखता था और सर इतने सारे लोगों की जिंदगी बनी इंडियन आइडल में आके, तो कोई ऑल्टरनेट मिला नहीं सर, तो लॉक लगा दिया सर। ये तुमने दिल से किया था कि पापा ने भड़काया था तुम्हें? ये बहुत बोलती है तुम्हारी मम्मी। अरे पता है मैं भी इंडियन आइडल को ऑडिशन दे चुका हूँ, मुझे जरा सीधा मैं जजिस के सामने गाऊंगा, वो स्टेज बहुत बाद में आती है, पहले कोई और ही लोग मिलते हैं आपको, और ही जाड़ा सा मिलना, क्या गाओगे?
मैंने कहा आपका मन देख के मेरा तो कुछ दिल वैसे कर नहीं रहा. पहले कोई और ही लोग मिलते ना, वो फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर वो छांट के ना जो बेस्ट मटेरियल होता है वहां तक आगे जाता है. तो अब वहां तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल होता है जजिस के सामने ऑडिशन देना ही. पर ये लोगों ने अपनी गायकी से, अपने टैलेंट से आज हर घर में राज कर रहे हैं, हर इंसान के दिल में राज कर रहे हैं. आपको बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. अच्छा, जब मैं इंडियन आइडल में गया था मैंने नीलांजना को बोला था स्कूल जाया करो, तुम अभी तक गई नहीं? नहीं, अभी जाऊंगी. बाकी बच्चे इनका कॉपी ना करें क्योंकि ये तो अगर नहीं गई तो ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन जो इंडियन आइडल उसमें आई है और आज बहुत पॉपुलर हो चुकी हैं. आप लोग रोज जाया करो. सलमान, अपने बारे में कुछ बताओ. मैं तो सब कुछ जानता हूँ पर वैसे बताओ कि कैसे शुरू किया तुमने गाना? हमारे घर में सभी गाते बजाते हैं. मेरे घर में हमारा खानदानी काम है गाना बजाना. अच्छा, काम कोई नहीं करता? काम कोई नहीं करता, सिर्फ गाते हैं सब. अच्छा, तो पापा भी गाते हैं? हाँ, हमारा जो घर का खर्चा है वो सिर्फ गाने बजाने के दम पे चलता है. ऐसा कोई घर में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है जो ऑफिस जा सके, जो सिर्फ हमारा गाने का काम है. तो इंडियन आइडल एक बहुत बड़ा मंच है. इंडियन आइडल ने एक अलग ही पहचान दी है और मुझे तो ऐसा लगता है कि सोनी से हमारा रिश्ता बन चुका है कि पहले इंडियन आइडल अब कपिल शर्मा शो में आ गए हैं. अभी तुम्हें क्राइम पेट्रोल में भी लाएंगे, देखना. मैं 10 साल पहले मिला था तब भी इतना सही था, अब आज भी इतना ही. तो गाने में इतना बिजी है, बड़ा उन्हें भूल गया ये. नितिन जो है ये हिमाचल से है और एक छोटे से शहर से उठ के आज पूरे हिंदुस्तान में आपको दुनिया जानती है. जी. कैसा हिमाचल उसके बाद गए फिर वापस? मैं जहाँ पे रहता हूँ वो आप भी वहाँ पे माता चिंतपुर्णी के पास आते रहते हैं. मतलब इतना ज्यादा प्यार वहाँ पे मिला कि मतलब जैसे मेरा साइज है उतना प्यार मेरे को मिला. क्या बात है. और इतनी मैं हिंदी प्यार से बोलता नहीं, मैं पंजाबी बंदा तो पंजाबी में बात करता हूँ. मैंने बहुत चंगा लगा पाना मिलके और सर नू मिलके और बहुत प्यार मिला और मिलता रहेगा. हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. नितिन, तुम्हारी इंग्लिश भी कमाल है यार. लेट्स टॉक इन इंग्लिश ब्रो. कम ऑन, कम ऑन, नितिन. यस. सो हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर बिकमिंग अ स्टार? इट इज फीलिंग वेरी आउट ऑफ द वर्ल्ड. Like plane travel in the sky, I am feeling like that. Oh yeah. And I am very lucky that I am sitting on the sofa. The guru, English teri manu na manu tera confidence maan gaya. What do you think? अगली बात मैं एक पूछना चाहता हूँ, वो इंग्लिश में नहीं बन रही मेरे से. बताओ, what do you think? अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में टेलम टेलम. मैं बनाता हूं सेंटेंस, मेरे को 15 मिनट दो. व्हाट डू यू थिंक इन नेक्स्ट इलेक्शन? फ्यूचर व्हाट? 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 टेल मी. मैं सर ये इंग्लिश में जवाब मैं सिखा दूं उनको. हाँ जी, हाँ जी. यू से नेक्स्ट इलेक्शन गुड सिलेक्शन. नो रिजेक्शन, ओनली सिलेक्शन. अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, तीनों लड़के, तीनों लड़कों से सवाल है. तो लड़कियां तो बहुत फैन होंगी होंगी तुम्हारी, हैं? ये भोला मुंह बना के ना देख, मेरे को सब पता है. और लोगों के कच्छों के रंग देखता ना तू. सही सही बताना अभी, मतलब कितने फोन आते हैं? फोन तो बहुत ही आते हैं. उठाते हो? ज्यादातर उठाता नहीं हूँ क्योंकि. अच्छा, एटीट्यूड नहीं, काम के सिलसिले में थोड़ा सा रहते हैं ना. तो नहीं तो फिर कितनी देर बात हो जाती है नॉर्मली, एक मतलब फोन आता है तो? सिर्फ 2 मिनट. नितिन, तुम? लड़कियों से तो दूर ही रहता हूँ ज्यादा क्योंकि पहली बात तो कोई फोन करती है तो ये पूछती है आप नितिन बोल रहे हैं. मैं कहनी, मैं युगांडा का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ. दूसरा ये कि जब भी फोन करेगी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, थैंक यू भैया, एंड में आके भैया बोल देती. मेरे साइज ज्यादा कोई दिक्कत नहीं. तो मतलब सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा इस वजह से, नहीं तो तुम्हारा मन है. कपिल भाई, आपको तो पता है ना, आप ऐसे जो होते हैं ना सबसे बड़े ढोंगी होते हैं ये. ऐसे लोगों के ना शादी के बाद बच्चे बड़े पैदा करते हैं ऐसे लोग. ये इनको मिल लेना आप 5 साल बाद. और सुनाओ क्या चल रहा है? 6 बच्चे हो गए. अंकुश मेरे को थोड़ा इनोसेंट लग रहा है. अंकुश, गर्लफ्रेंड है आपकी कोई? गर्लफ्रेंड है. गर्लफ्रेंड्स? ऐसे लगाया तुमने साथ में? सोच के बता रहा है. गर्लफ्रेंड? जितना मैं भोला समझता, मैं सबसे ज्यादा तारीफ तुम्हारी की कि शरीफ है. बड़ा चालू निकला तू. मैंने देखा जब कोई भी हीरोइन आती थी ना इनके शो पे, बड़ा फ्लर्ट करता था ये. अच्छा, दुच्चा कहीं का. ये सोनी टीवी ने मुझे दिया हुआ काम.
अच्छा पाजी, भगवान जब देता है ना छप्पर फाड़ के देता है। जावेद भाई को सालों लग गए, इतना रियाज किया, मेहनत की, तब जाके रहमान साहब के साथ इन्होंने गाने गाए। ये भाई साहब आए एकदम से, शो में छा गए, और मैंने सुना कि रहमान साहब ने आपको बुलाया भी है। हाँ। गाने के लिए बुलाया क्या डिनर पे? ये तो वहीं पर जाके पता लगेगा, वैसे तो गाने के लिए बुलाया उन्होंने। जब भी जाओगे ना तो खाली कुछ नहीं बोलना उनको, ऐसे ना उनको मेरे फोन को ना ऐसे डायल करके रख देना, उनको बोलना कि सर एक और आदमी से आपने प्रॉमिस किया था। मैंने उनको गाना सुनाया, वो गाना सुनाया जिसमें मेरी बड़ी अच्छी पकड़ थी ना, मैं कहा ये बेस्ट है मेरा, ये सुनाता हूँ। मेरे को कहते यू वांट टू सिंग, मैं कहा यस सर आई विल मेक यू सिंग। उसके बाद मैंने ना शो बंद कर दिया, मैंने कहा चलो अब गाना गाएंगे। शो भी बंद हो गया, गाना भी नहीं गाया, मैं सड़क पे आ गया। मैं तो फोन की बैटरी भी नहीं लो होने देता, पावर बैंक लगा के रखता हूँ, पता नहीं कब फोन आ जाए। रहमान सर यो ब्रोज, यो यो यो, यो। यार आप सभी लोगों को हमारा म्यूजिकल नमस्कार। हाय हाय, क्या बात है। नमस्कार दावे जी, विशाल जी, आप लोग जज हैं तो हमारा जजमेंटल नमस्कार। सिद्धू जी आपके लिए हमारा पॉलिटिकल नमस्कार। कपूर शर्मा आपके लिए एक्सीडेंटल नमस्कार। करना नहीं था, एक्सीडेंटली हो गया। अरे वैसे जावेद जी आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन करना है। क्या हो गया? ये स्पेशल है, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन बताते हैं आपको। अरे हमने पहली बार किसी रियलिटी शो में जज का वाइल्ड कार्ड एंट्री देखा है। ये बात है। कमाल, मान गए सर, मान गए। इससे बड़ा सरप्राइज हो ही नहीं सकता। ये हुई ना, नहीं मतलब हमको आपका शो अच्छा लगता है सर, इंडियन आइडल चालू हुआ अच्छा लगा, फिर वो चल रहा है, फिर चल रहा है, फिर चल रहा है, चल्ला। सर उसके गुनाहगार ये लोग हैं, ये जो बैठे हैं थोड़ा गलती मैंने, हाँ इनका भी है, इस आदमी का स्पेशली। हम देखे सलमान को, भाई तुमको आइडिया है, जो इतना लंबा तुम आलाप खींचते हो, हम देखे हैं तुम्हारे लंबे आलाप की वजह से था 3 महीना खींच के ऐसे 7 महीना। सलमान तुम्हें पता है जब तुमने आलाप लेना शुरू किया इसके 10 बच्चे थे, आलाप खत्म हुआ इसके 11 हो गए। ये कौन सा बात हुआ सर? यू हैव टू नो कि बच्चे आलाप की वजह से नहीं मिलाप की वजह से होते हैं। इट्स अ बायोलॉजिकल रियलिटी, यू विल फेस इट सून। बच्चा तेरा आज यहां कैसे आना हुआ? बता देते हैं, ऐसे आना हुआ। ओए दिल पे लग गई बात सर, ये बात दिल पे लग गई। लगी ना सर, सवाल ही ऐसा पूछता है। सर हम भी म्यूजिशियन हैं सर, अब एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम कमाल का बजाते हैं, बड़ा मजा आता है। कौन सा? डोरबेल। ऐसा मजा, टिंग टोंग टिंग टोंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग, ऐसा करते रहते हैं यार। वैसे लेकिन हमारे अंदर भी जुनून है सर सिंगिंग का। एक बार एक रियलिटी शो में गए थे सर हम, लेकिन हम वहां से निकल गए यार, मजा नहीं आया। क्यों यार? हम गाने लगे तो हमसे कहते हैं कि तुम्हारा सुर नीचा है, ये सुर ऊंचा है। हमने कहा जहां ऊंच नीच का बात हो रहा है वहां हम नहीं रहेंगे। आई डोंट डिजर्व दिस। म्यूजिक इंडस्ट्री में बच्चा बहुत अच्छा करियर बना सकता है, एज ए ढोल, आगे ढोल पीछे तबले। हम आपको देख लेंगे कपूर शर्मा रिपीट टेलीकास्ट में, वहां पे मिली हमको। मेहनत कर पहले, ये देख सब कितनी मेहनत करके पहुंचे। सलमान विनर बना है तो मेहनत करके, सलमान जैसे गा सकता है? तो गा लेंगे, इसमें कौन सा बड़ा बात है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाए, हो जाए, हो जाए, वो हो जाए, हो जाए, हो जाए। तो हम पेश करते हैं सलमान का गाना ना, लीजिए। वाह वाह, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। कम फ्रॉम विद इन सर, जोर लगाओ, जोर, जल्दी बुलाओ, कर लीजिए, कर लीजिए। कहाँ है वो?
तर कहते हैं नाभि से गाओ तो ट्रैवल होएगा, टाइम लगेगा। ये तो सलमान खान का गाना गा रहा है। सलमान खान शो के प्रोड्यूसर है, उनका गाना गाएंगे तो टिके रहेंगे, हम तो वही गाएंगे यार। हमको यार इतने बड़े बड़े सिंगर, अच्छे अच्छे सिंगर आए हुए हैं सर, आप लोग यहाँ पर हैं, हमको एक लोरी सुना के, मतलब एक तड़कता भड़कता सा लोरी सुनाइए, मतलब ऐसा दिल में जिगर में आग लग जाए, मतलब हमारा आइटम डांस निकल आए, कोई आइटम सॉन्ग टाइप का एकदम। ओह माय गॉड, मेरे बच्चे को गाना सुनना था, प्लीज सुना दीजिए, बाकी तन बदन में आग मैं खुद ही लगा दूंगी। तितली हमारी वाइफ है, तितली हम इनसे कह रहे थे कि कोई कबीर का दोहा हुआ सुनाओ, अच्छा बात सुनाओ, मतलब रोमांटिक गाने सुनने आपको? नहीं, नहीं, भजन भजन सुनाने का। मर जाऊं, आज तक मुझे तो कभी कोई रोमांटिक गाना सुनाया नहीं, गाना दूर की बात, पाजी आज तक इन्होंने रोमांटिक बातें नहीं की मेरे साथ। अरे परसों तो ये रोमांटिक शेर सुनाए थे, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, तेरी भैंस का तीतर। ये क्या है, ये क्या गाने होते हैं? अरे सिद्धू बाजी को देखो, क्या शायरी सुनाते हैं बाजी, मजा ही आ जाता है। तो हमको भी वहाँ बैठा दीजिए, फिर देखिए क्या शायरी निकलता है हमारे अंदर से भी। बाजी मोटे की हिम्मत देखो, सीधा मंत्री की कुर्सी पे नजर। बाजी वाह, इंडियन आइडल वालों, अच्छा इंडियन आइडल वाले ना, मुझे लगा कि चाचा जी बनारस से बच्चे घुमाने लाए हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूं, ये मेरे पति हैं, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई इनसे शादी करके। शादी से पहले पाजी वादे किए थे, ये करूंगा वो करूंगा, तो मैं अपनी पलकों पे बिठाऊंगा, पर कुर्सी पे बैठ नहीं पाती है, 8 कुर्सियां तोड़ चुकी है। अब पलकों पे बैठाने का रिस्क लेगा कोई? सारे सपने टूट गए विशाल जी। मेरा सपना था जब मैं लड़की होती थी कि मेरी शादी हो, उसके बाद मेरा पति ना मुझे बीवी और गर्लफ्रेंड का दोनों का प्यार दे, मेरा पति साइकिल चलाए, मैं डंडे पे बैठूं, साइकिल शू 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 करे, हम दोनों जाएं, कुछ भी नहीं हुआ। बैठाया था डंडे पे, 4 जेंट साइकिल को लेडीज साइकिल बना चुकी है ये। हर सोमवार के व्रत रखे इस बंदे के लिए, लेकिन इसको कोई कदर नहीं है। पाजी इसने ओ ना 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 ना, क्या मैं रो थोड़ी रही हूँ, ठीक आ रही है, कुछ भी नहीं किया पाजी इसने मेरे लिए। ए तितली, क्या है इतना काहे गुस्सा करती हो, थूक दो गुस्सा। अरे यार क्या हुआ? अरे असल में थूकने के लिए थोड़ी बोले थे, ये बोलने का तरीका होता है, सच में नहीं किया जाता। ठीक है चलो, तो कोई बात नहीं यार, देखिए सर ये गुस्सा हो रही है, आज देखिए हमारा जॉक्स का एक ना पिटारा रहता है, हमारे पास जॉक्स होते हैं, आपको जॉक सुनाते हैं, लेकिन अपना जॉक हम आज तितली को डेडिकेट करेंगे, थोड़ा गुस्सा है ये। सच्ची? हाँ सच्ची, तमीज में रह के सुनाना। ऐसी कौन सी चीज है जो शादी से पहले किसी की भी हो सकती है, लेकिन शादी के बाद सिर्फ पति की होती है, पत्नी की नहीं? क्या? गलती यार। कमाल, कमाल, हमारी गलती है। तितली, एक और सुनाते हैं सर, ऐसी कौन सी जगह है हमको बताइए, जहाँ पे अंग्रेजी में जाना होता है लेकिन हिंदी में लौटते हैं? ये कौन सी जगह है? गोवा। गोवा। अजी आ गए, पता ही आ गया। आई नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तितली। चलो हो गया, मजा आया, जोक बोक सुना दिए, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। चलते हैं, एंजॉय, हाय, जो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ यार। पाजी मैंने नितिन के बारे में सुना है, इसको आप कोई भी गाना दे दो, इसको क्लासिकल में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा नितिन, मैं आपको एक गाना देता हूँ, आप उसको क्लासिकल में कन्वर्ट कर दो। अच्छा जी,
तो अब दोनों की जुगलबंदी आपको देखने को मिलेगी। तो पेशे खिदमत है, मैं जंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। आज एक आदमी ऊपर से तुम्हें आशीर्वाद दे रहा होगा, नुसरत फतेह अली खान साहब। आज उनकी याद दिला दी यार तुमने, छा गए गुरु तुम दोनों एक साथ, जफी फटैक छा गए यार, क्या बात है। कभी कभी नुसरत यार कमाल है यार, सुपर सुपर। मैंने मुन्नी को इस तरह से बदनाम होता हुआ कभी नहीं देखा। तुझे लग रहा है आज मुन्नी बदनाम नहीं हुई, मुन्नी की इज्जत बन गई। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, आपको पता है आपके यहाँ पे बहुत सारे फैंस हैं और उनको ऐसा लगता है, कहते हैं कि अगर हमें सलमान अगर सिखाए या नितिन अगर हमें सिखाए या नीलांजना या अंकुश हमें सिखाए तो हम लोग भी उनके जैसा कॉपी कर सकते हैं। भाई यहाँ पे लाइव डेमो देखना आपको। यहाँ पे कौन है, कौन है जी? आप सामने बैठ के देखो, विशाल भाई, जावेद भाई, ये तो देखना है। अच्छा आप लोग यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। अच्छा कौन कौन है पहले तो हाथ खड़े करो जिन्होंने कहा था कि हम अलाप लगा सकते हैं। ओके तो पहले एक वन बाय वन करेंगे, सलमान एक अलाप लगाएंगे, उसके बाद नितिन एक लगाएंगे, मतलब जो भी अलाप लगाएगा उसके बाद एक एक आदमी आप लोगों को कॉपी करना है। तो सबसे पहले कौन अलाप लगा रहा है जी, कौन आप लगा रहे हैं? माइक दे दीजिए भाई साहब को जी। आपका नाम क्या है? सुनील। तो सुनील कहाँ से आए आप? मैं माहिम से आया हूँ। क्यों? सर आपको देख ले। अरे सो स्वीट, पर आज इन्होंने महफिल लूट ली है ऑलरेडी। पर ये अलाप लगाएंगे और आप कॉपी कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? हाँ सर। सलमान कुछ ऐसे अलाप कुछ भी छोटा सा, ये आपको कॉपी करेंगे। मुझे लग गया पता, आप कीड़े निकालने आए अपना। आप बैठिए सुनील। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त जी? भाई साहब अच्छा ये अलाप लगाना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ आप तंदूर में कुलचा लगाइए। जी नितिन। कपिल भाई, आई स्वेयर इंडियन आइडल के ऑडिशन होते हैं ना, तो यहाँ तो जो सिंगर आते हैं वो बेहतरीन होते हैं, यहाँ तो फिर बेहतरीन होते हैं। आपने फर्स्ट डे की याद दिला दी, क्या बात। आपने बहुत अच्छा खराब किया गाना, बहुत अच्छा खराब किया। थैंक यू सर, आपने नाम नहीं बताया अपना। जयशील गांधी। ओके जी, गांधी साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई है मेरे दोस्त जो अलाप लगाना चाहते हैं? जी ये भाई साहब आ मेरे तोते जी। यश नाम है। यश, यश कहाँ से आए आप? घाटकोपर। घाटकोपर से ही। तो अंकुश थोड़ा सा लाप लगाएंगे, आपको कॉपी करना है। जिनको लगता है कि हम लोग सिर्फ यही शो करते हैं, मैं उनको बता दूं कि हमने और भी बिजनेस खोल रखे हैं। मैंने अपनी दो दुकानें खोली हैं और वो दोनों दुकानें हैं यहाँ पे गोल्ड की आज आई हुई हैं। यार ये भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, पहले भी आप हमारे शो में आए थे तो मैं पूछना भूल गया था आपका। अच्छा आपका नाम पहले बताइए। सनी। सनी बंटी। सनी और बंटी, कितने किलो होगा ये आपने जो पहना है? मेरा 4.5 किलो है। और आपका? 5.5 किलो है। अच्छा वाह। तो सनी बंटी आप जब पिछली बार मिले थे तब तो मेरे ख्याल से स्टडी कर रहे थे आप। स्टडी पढ़ लिया सारा कुछ? अभी सब पढ़ लिया। आपको क्या जरूरत है, वैसे ही इतना भगवान ने दिया है आपको, आप तो पढ़ाओ हम जैसे को। पर बहुत अच्छा लगा यार आपको देख के, क्या स्टाइल है पाजी। सर हमारे सिंगिंग जूते वूते भी दिखा दे यार, ऊपर चढ़ गए। अच्छा शूज भी हैं? दिखाना है। शूज भी गोल्ड के दिखाना यार। अरे क्या बात है, वाह क्या बात है भैया, अंडरवियर तो छोड़ा हुआ है। अच्छा सनी, मैंने आपके बारे में एक सुना, मुझे अभी किसी ने टीम में से बताया कि आप लोग कुछ एनजीओ वगैरह भी कुछ चला रहे हैं। अभी एनजीओ चालू किया है गोल्डन गाइस नाम के एनजीओ से। गोल्डन गाइस okay. खोल के तो उसमें क्या करते हैं आप? तो उसको गरीब लोगों को खाना देते। अच्छा रेलवे स्टेशन पे, चिंचोड़, पिंपरी और पूना स्टेशन पे। क्या बात। अच्छा वेरी गुड, एवरी डे लंच रहता हमारी तरफ से। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। खाली चेन ही सोने की नहीं, दिल भी सोने का इनका। बहुत अच्छा काम करते हैं, ऊपर वाला आपको और दे और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें और खुश रहें। थैंक यू, लव यू बोथ, प्लीज। अरे क्या बात है, इंडियन आइडल जाइले। हेलो, आपको पता है सिद्धू जी, इस साल ना आम के सीजन से ज्यादा इंडियन आइडल का सीजन चले ला। हाय कैसे है क्यूटी पाइज? अच्छे हैं। अरे आप लोग का परफॉर्मेंस है ना एकदम मिसअंडरस्टैंडिंग रहते हैं। अरे पागल, आउटस्टैंडिंग होता है। नाला सुपारा में मिसअंडरस्टैंडिंग ही बोलते हैं। हाय जावेद जी कैसे है?
बहुत बढ़िया। फरहान अख्तर कैसे ए पागल, वो जावेद अख्तर नहीं है, वो जावेद अली है। तो मेरे को मालूम है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से है ना, मेरे को लगा जानते रहेंगे एक दूसरे को, इसलिए पूछी। इसमें भड़कते आए विशाल जी, कैसे? मस्त। शेखर जी नहीं आए? नहीं, आई एम सॉरी। क्यों, क्या हो गया? मैंने बोला ना कपिल जी को, वो दूसरी जगह में छाप। नहीं नहीं, मैं शेखर सुमन के बारे में पूछ रही हूँ। उनको क्या हो गया? ऐसे ही रहता है, जो साथ का रहता है उसका काय को पूछने का, फॉर्मेलिटी रहते है। आप अच्छे तो वो भी अच्छे रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे। हेलो नेहा जी, कैसे? अरे नेहा कहाँ है? वही तो मैं पूछ रही, कहाँ है वो, आए नहीं। तुम लोग का थोड़ा नाम क्या हो गया? जज को भूल गए तुम लोग, लेकर नहीं आए? ये मर्द लोग का ऐसे रहता है, 6 महीने बीत जाते तो लेडीज को भूल जाते हो। बट आई लव नेहा। अरे नेहा काम में बिजी है, उसकी शोज है। हाँ तो लड़की लोग आजकल ज्यादा काम में बिजी है, इसलिए आगे निकल रही है लड़के लोग से। सही बात है ना? और हम लोग को तो एटीट्यूड प्रॉब्लम भी नहीं रहते। इन लोग का एटीट्यूड देखो, थोड़ा नाम हो गया जज के सामने, कैसे बैठे ले इन लोग। अरे एटीट्यूड नहीं, अपनी मेहनत से आगे आए हैं। मैंने बिठाया उनको यहाँ पे। हाँ, बिठाने में तो ये एक्सपर्ट है। कुछ टाइम पहले 1 साल तक बिठा के रखा था इसने लोगों। बहुत एक्सपर्ट है। क्या बात है। ये मेरी बहुत दूर की गलेपड़ी बहन है ये। गलेपड़ी बहन। पता नहीं कहाँ से आ गई, मतलब ये समझ लीजिए कि शो के स्पॉन्सर बाद में आए, ये पहले आ गई। अच्छा। हाँ तो अपने ही रहते हैं ना। दीदी दीदी मेरा समझेगी। नहीं। देखो आप भी लेडीज है, मैं भी लेडीज है। हम लोग एक दूसरे का प्रॉब्लम हमेशा समझते। मेरा क्या हो गया था, मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना मुकेश, उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप के बाद बहन किधर जाएगी, भाई के घर पे ही जाएगी ना, तो मैं इसके पास आ गई ली। अरे क्या आजकल आप लोग मुकेश को नहीं जानते क्या? मेरा बॉयफ्रेंड फिल्म इंडस्ट्री का ही है। अच्छा। हाँ, जब थिएटर में पिक्चर लगती है ना, तो पिक्चर से पहले वही आता है। इस शहर को क्या हुआ, चारों तरफ धुआं ही धुआं। मैं 23 साल का मुकेश, उसके साथ ही मेरा लफड़ा था। खैर छोड़ो, उसकी उसकी क्या बातें करेगी, इंडियन आइडल का बात करती है। मैं बहुत बड़ी फैन है सब लोग की, सलमान खास करके तेरी बहुत फैन है। ये शो पे ना वो करता था ना कप्पू, मेरे को बहुत अच्छा लगता था वो क्या गाना? नहीं नहीं, वो क्या, वो हरकते हैं लाप? नहीं नहीं, वो ऐसा वोट अपील करता था ना, मेरे को वोट करें, ऐसे डायल करें, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। सिद्धू जी, इसको लेकर जो इलेक्शन आएगा ना, वोट मांगने बहुत काम आएगा। ये आपको इंडियन आइडल का प्रेसिडेंट जरूर बना डालेगा। अच्छा, इंडियन आइडल से याद है, मैं भी गई थी उधर। पिछला सीजन था ना, लेकिन बहुत पार्शियलिटी किए लोग मेरे साथ में। मैं ऐसा वोट अपील कर रही थी ना, जज लोग भड़क गए, कहते पहले गाना सुनाओ। मैंने बोला ऐसा थोड़ी रहता है, वोट्स मांग के जीतने का है ना, तो पहले मैं वोट ही मांगेगी। खैर तुम लोग सब फिनाले में गए ना, बहुत अच्छा लगा। अभी तुम लोग का असली स्ट्रगल चालू होगा, देखना। अरे वो स्टार लोग हैं, अभी क्यों स्ट्रगल करेंगे? अरे स्टार बनने के बाद ही असली स्ट्रगल चालू होता है कप्पू, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। अभी क्या, पहले तुम लोग को ज्यादा लोग देखते नहीं थे, अभी मीडिया वीडिया बॉडीगार्ड अभी सबका नजर रहेगा तुम पे जी। है ना, संभल के रहने का, पहले जैसा नहीं। पहले तू कैसा छींकता था ऐसा करता, मैं इसको देखी एक दिन रोड पे ऐसा करता था, ऐसे अच्छे नहीं रहते, समझा? अभी तू स्टार बन गए ले, समझा? इधर आ, मैं तेरे को सिखाती है स्टार लोग कैसे छींकते मालूम, बड़े लोग ऐसे ही देख। सच्ची में दिद्दू जी, मैं बड़े बड़े लोग को देखी, जब छींकते हैं ना, उनका छींक का आवाज नहीं आता है, सिर्फ एक्सक्यूज मी सुनाई देता है, तभी पता चलता है आदमी कुछ ना कुछ तो किए लाए। ए, ऐसा पागल बना रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, डरो मत। पागल वीगल नहीं बना रही है, मैं बच्चे लोग हैं, मैं इन लोग को सिखा रही है। इसको भी देखी थी मैं उधर आदर्श नगर में, बाकड़े पे चाय पी रहा था बहुत टाइम पहले। चाय दे रे, 2 कप चाय ले रे, ऐसा बोलता था। ऐसा नहीं बोलेंगे, अभी स्टार बन गए ना तू,
अभी चाय ऐसा मांगने का. एक्सक्यूज मी प्लीज कम हियर. कैन यू गिव मी सम कैरेमल मैकियाटो विद सम हेजलनट एंड नो ब्राउन शुगर प्लीज. ऐसा बोल के दिखा. एक बार रिपीट कीजिए. हो गया ना दिमाग का मैकियाटो. इसीलिए बोल. और ये सलमान, इसको तो स्टार बनने की बहुत खुजली थी ना, अब खुजली करके दिखा स्टार बन गया ना. इसको मैं देखी है, पहले नाक में ऐसे टेलीफोन घुमाते रहते थे. अब ये खुजली नहीं कर पाएगा कप्पू, देखना. क्यों? वैसे कुछ कुछ जगह रहती ना, वो खुजली करने में मजा आता है. लेकिन तेरा मजा अभी खत्म हो गया. खैर मैं जिस काम के लिए आई लिए ना, मैं पहले उसका बात करेगी. हमारे इधर ना उल्लास नगर में शो है. अच्छा. तो मेरे को सर ये लोग लगेंगे वहाँ पे. वो बड़े बड़े शोज करते हैं, वो क्यों करेंगे तुम्हारे शो? अरे बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे इधर. हमारे इधर बड़े वो जस्टिन चौरसिया और राजू गागा, उसका शो की थी मैं पहले. राजू गागा है वो? हाँ. राजू गागा नहीं, लेडी गागा होता है. तुम लोग को क्या लगता है, जेंट्स को लेडी सिर्फ तुम ही लोग बना सकते? शो के बारे में मैं आप लोग को बता देती हूँ. उधर उल्लास नगर में भाई लोग का शो, समझे? तो हमारे कुछ ऐसा रहता है, कुछ पॉइंट्स है. तो स्पोर्ट्स शूज पहन कर आने का उधर. वो क्यों? अरे उधर कोई लफड़ा हो गया, पुलिस की रेड पड़ गई तो भागने के काम आएगा ना इधर उधर. बहुत इजी रहता है और ऐसा कोई टेंशन नहीं. मतलब अगर स्पोर्ट्स शूज अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई टेंशन नहीं. बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर पहन लेना. क्यों? अरे गोली चलेगी तो सब माइक से थोड़ी रोकेंगे वो लोग. और मेन चीज बता दे, पहला गोली चला तो डरने का नहीं, क्योंकि हवा में फायरिंग हुआ है. और दूसरा गोली चला तो सोचने का नहीं, सीधा भाग जाने का, मतलब कुछ लफड़ा हो. और पता है विशाल जी, जावेद भाई इधर ना, इन लोग का बहुत टेंशन होता है. सिंगर लोग जब आते हैं ना तो आते ही कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर देते. सी माइनर दो, डी मेजर दो, डी माइनर. ऐसा उधर कुछ मांगने का नहीं, खुद का लेके आने का. मेरी बात सुनो सपना, उनको मिलेगा क्या तुम्हारा शो करके? हाथों हाथ पेमेंट. कैसे? ये लोग ऐसा परफॉर्म करते रहेंगे, हाथों हाथ पेमेंट गिरता रहेगा ऐसा ऐसा करके. और पेमेंट है ना खुद जमा कर लेने का. भाई लोग के बच्चे लोग आके लेकर गए, फिर बाद में नहीं बोलने का पेमेंट नहीं मिला मेरे को. ऐसे नहीं. तो ऐसी बेवकूफ वाली बातें करते, तभी दिल नहीं करता तुझे बुलाने का. आप मेरे को बार बार कहीं को डांटते. मैं बहन ही ना आपकी, मेरा बहुत नॉलेज ऐसा नहीं है. क्या? मैं सब जानती. अभी ये अपना इलेक्शन रहता है, हर 5 साल बाद रहते हैं ना सिद्धू पाजी, जानती है ना मैं? जानती है. अब आप लोग सिंगर लोग है, सुर कितने रहते हैं, 7 रहते हैं. हाँ. जानती है ना मैं? जानती है. और हम लोग आर्टिस्ट लोग है, रस कितने रहते, 9 रस रहते, जानती है ना मैं? सही बोला ना? तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को. चल भाग यहाँ से, आई बड़ी इंटेलिजेंट बात करने वाली. देख कितने मेहमान आए हुए हमारे इधर. अरे वाह, अरे वाह, भप्पी लेरी के बच्चे लोग आए. माय गॉड. अरे आप लोग को देख के तो मेरा चेन खो गया है. एक चेन देना मेरे को. अरे एक चेन देना, एक देना चेन मेरे को. तप्पो. ए, वापस कर चैन, हमारे मेहमान है. अरे कुछ नहीं, मेरे को आप भगा रहे थे, मैं जा रही है. ए सपना, ए सपना, बदतमीज. चोर कहीं की. मैं दिलवाता हूँ वापस. भाजी आज हमारे इतने सुरीले लोग आए हैं, विशाल भाई आए हैं, जावेद भाई आए हैं, इतने सुरीला गाने वाले बच्चे आए हैं. तो आज गणतंत्र दिवस की खुशी में हम लोग यहाँ पे एक मुशायरा पेश करने जा रहे हैं. तो आपकी इजाजत है तो जी. इरशाद, इरशाद, इरशाद. जल्दी जल्दी मुशायरे का सेटअप लगाया जाए. आज की शाम आपकी नजर पेशे खिदमत है, शाम है मुशायरा. वाह. मैं इन जलील शायरों का तारुफ करवा देना चाहता हूं. भैंसों के तबेले से बच्चा यादव,
See the dining table से तितली यादव। गोरेगांव स्टेशन भिखारी एसोसिएशन की तरफ से चंदू। कील मुहासों की गली से सपना भोजपुरी। और भोजपुरी स्ट्रगलर एसोसिएशन की तरफ से रॉबर्ट। और सीधा हवाई अड्डे से चिंगारी। अर्ज किया है, वाह, भैंसों के तबेले को ताज बना दूंगा। भैंसों के तबेले को ताज बना दूंगा। क्या बात, क्या बात, पूरा मोहल्ला उपलों से सजा दूंगा। बिजली का बिल कम आए इसलिए घर के पीछे गोबर गैस का थर्मल प्लांट लगा दूंगा। क्या बात, क्या बात है, लानत है, लानत है। अर्ज किया है, हाँ जी, हट। अपनी आशिकी की शम्मा से गमों के सारे दिए बुझा दूंगा। बुझा दो यार, बुझा दो, बुझा दो, वी डोंट केयर। अपनी आशिकी की शम्मा से गमों के सारे दिए बुझा दूंगा, अगर दोबारा ऐसा घटिया शेर सुनाया तेरा थर्मल प्लांट सुझा दूंगा। ये बहुत सही बोली। सूझे हुए को और कितना सुझाओगे? मैं शेर नहीं सुना रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। अरे यार, मैं तेरे पति की बेइज्जती की एक मिनट। देखो, एक तेरा प्यार पाने के लिए दुनिया को छोड़ दूंगी। छोड़ दो, once and for all छोड़ दो। एक तेरा प्यार पाने को दुनिया को छोड़ दूंगी। चंदू, अगर मेरे पति के बारे में कुछ बोला ना, मैं जुत्ती मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी। I love you, तितली, I love you। वाह वाह, घर जाके करिएगा। अरे आप इनके बकेट बकेट को इग्नोर कीजिए और मेरे शेर पे गौर कीजिए। वाह 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 वाह। अर्ज क्या है, अमित जी के बेटे का नाम अभिषेक और बीवी का नाम जया है। वाह यार, दिस इज प्योर इंफॉर्मेशन, इसमें क्या बात हुआ? सुनाने तो दो पूरा। अमित जी के बेटे का नाम अभिषेक और बीवी का नाम जया है। वेरी गुड, अच्छी बात है। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, तुम्हारे पास क्या है? वेरी नाइस भैया, बहुत अच्छा, बहुत नाइस है, बहुत ज्यादा नाइस है, वेरी नाइस, बहुत ज्यादा नाइस है, फिर अच्छा ही होगा। चिंगारी ने कह दिया नाइस है। तो मैं भी फेशियल करना चाहूंगी। फेस है, अर्ज करते हैं, अर्ज करना चाहूंगी। तू तबेले वाला है, तूने शायरी में गोबर किया ना। मैं पार्लर वाली है तो मैं फेशियल करेगी। वावा, वावा। सिद्धू जी, आजी। छोड़ जाते हैं आशिक दिलबर से जी भरने पे। वाह वाह। छोड़ जाते हैं आशिक दिलबर से जी भरने पे। वाह। कील मुहासे साफ हो जाते हैं नींबू से स्क्रब करने पे। बात ही हो गया। मैं ऐसे शेर सुनाते है तो इसलिए मुकेश छोड़ गया। ज्यादा बकवास नहीं करना मुकेश के बारे में, समझा? और कुछ बोला ना, मैं चंदू की ठुड्डी पे मुक्का मार के ठुड्डी सुजा डालेगी इसकी। ओ, उसने बोला, मैंने थोड़ी बोला। हाँ तो मैं अमेरिका से रिलेशन काहे को खराब करूं? मैं शेर अर्ज करूंगा अपनी चिंगारी के लिए। आने दो। जिसमें जो छम के साथ आपने छम का काफिया मिलाया ना। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, काफिया मिला नहीं है, मेरी बात सुनिए आप। काफिया मिला ना मिले, हम दोनों छत पे मिले, हमें बड़ा मजा आया। एक मिनट, मैं अपने पति के लिए कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। करो, करो। वाह, तुम भी उधर करना। करूँ? अरे कीजिए ना, शुरू कीजिए। फूल गिर जाते हैं जब तुम आते हो। हाय हाय, वाह वाह वाह,
वाह वाह फूल गिर जाते हैं गिर जाते हैं जब तुम आते हो हम आते हैं बोल दो घबराओ मत बोलो हैं पूरा बोलो फूल गिर जाते हैं जब तुम आते हो अंधे हो क्या गमलों से टकराते हो वाह 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 ओह बहुत गुड ये लड़की तो ब्लाइंड खेल गई भाई ब्लाइंड ये कुछ फरमाना चाहते हैं हमारे फिरंगी दोस्त जी फरमाइए अरे कुछ देर से मुझे मेरा पर्स नहीं मिल रहा वाह 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 आगे 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 वाह क्या बात है आगे आगे वाह आगे नहीं आगे नहीं पीछे रखा था वाह 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 चोरी चोरी हो गया वाह चोरी हो गया वाह अरे नहीं नहीं ये शेर नहीं है मैं सच बोल रहा हूँ यार अरे सच बोल रहा हूँ यार वाह 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 टोको टोको क्वाटीनो हजरत हाय मेरी अजमाइश का वक्त है वाह इसीलिए जहमत कलाम दे रही हूँ वाह 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 क्या मुखड़ा है हिंदी में इसका मतलब ऐसा होती है नहीं नहीं तुम हिंदी तुम डायरेक्ट शेर सुनाओ नहीं तो फिर बाद में हिंदी का भी मतलब बताना पड़ेगा टाइम नहीं है इधर चुप सुना दो सुना दो दुख इस बात का नहीं कि वो बेवफा हो गए वाह 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 बिना दुख का शेर है दुख इस बात का नहीं कि वो बेवफा हो गए वाह दुख इस बात का है कि गोलगप्पे दस्तखत दो हो गए मुंह करारा कर दिया लड़की ने वाह मजा आ गया दिल करता है सारे काम छोड़कर हो जाऊं मैं वेला तो अभी क्या हो वाह क्या बेइज्जती की है आपने दिल करता है सारे काम छोड़कर हो जाऊं मैं वेला वाह वाह तुम बन जाओ मेरी गोलगप्पी मैं बन जाऊं तुम्हारा ठेला वाह 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 कहते हैं चाट की दुकान पर आशिकी का मेला लगाएगा क्या बात है क्या बात है वाह चाट की दुकान पर आशिकी का मेला लगाएगा क्या बात है ये पत्तल चाटने वाला ठेला लगाएगा लाइव बेइज्जती अपनी चिंगारी के लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ खड़काओ अर्ज किया है कीजिए कीजिए क्या मिलेगा जिंदगी से वफा करके क्या मिलेगा क्या मिलेगा जिंदगी से वफा करके वाह वाह क्या मिलेगा जिंदगी से वफा करके वाह वाह आ लग जा गले मेरे ठा करके वाह माशाल्लाह मैं भूरी के लिए एक शेर सुनाता हूँ ए, 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 अबे ए, ए, क्या बोल रहा भूरी हमारी साली है उसका नाम भी लिया ना तो खून पी जाएंगे तुम्हारा समझे हाँ साली का नाम नहीं लेना समझ गए कि नहीं चंदू का खून कोई लेमन सोडा नहीं है जो तुम जैसे होंगे पोंगे लोग इसको पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे हाँ आपने मेरे पति को पोंगा बोला मैं ज्यादा बकवास की ना इन्हों को गोल करके मारूंगी ओ पोंगा मैंने तुमको बोला है मैंने उसको ओंगा बोला है बोले जा रहा है मैं शेर कहना चाहती हूँ कह दो हम डरते नहीं है खुदार हूँ इजहारे थलाम नहीं कर सकती वाह आई लव यू खुदार हूँ इजहारे थलाम नहीं कर सकती अरे उधरू और साकी समझते हैं हमें प्यास ही नहीं ये तो बहुत गहरा है वाह 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 व्हाट अ थर्स्टी शेर शादी कर लो मुझसे थर्स्टी शेर है यार वाह प्लंबर के साथ हैंड पंप को लेकर आएंगे साकी तुम्हारे घर पर वाह 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 प्लंबर के साथ हैंड पंप लेकर साकी आएंगे पहले खड्डा खोदेंगे फिर पानी निकालेंगे फिर तुम्हारी प्यास बुझाएंगे हम उसी खड्डे में मिट्टी डालकर इसे दफनाएंगे ये बात है वाह फिर तेरी कब्र पे नलका लगवाएंगे फिर तेरी प्यास बुझाएंगे अरे वाह वाह और फिर तुझे बाहर निकाल के फिर जूते मार के फिर दफनाएंगे चिंगारी के बारे में ऐसा बोलता है चिंगारी सुनो अर्ज किया है साकी की बात निकली है जी तो मैं भी अर्ज करना चाहूंगी कर दो कौन रोक रहा है कि साकी की कब्र पे मैंने लगा दिया नाका वाह ये तो अच्छा किया साकी की कब्र पे मैंने लगा दिया नाका फिर उसको बोला तेरी माँ का साकी नाका
मुझे साकीना का बोला तेरी अरे बात कैसे हुई इधर से साकी बन गया रे इधर से साकी बना है लड़ना नहीं सर मार दो बोले कि मार दो सर मार दो लड़ना नहीं मार दो सर फोड़ दो सर फोड़ दो चल हट हट सुनो 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 कोई इसको कुछ नहीं कहेगा कोई पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ ऊपर लेके जाओ ओए निकलो यहाँ से भिखारी हो अबे मुसारा का क्या बना गए विशाल भाई जावेद भाई सलमान नितिन नीलांजना और अंकुश इन सब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए और थैंक यू सो मच शो में आने के लिए आई होप आपको मजा आया होगा फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़